गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, पढ़ाई भी आप सबकी अच्छी चल रही होगी। अगर आपने अभी तक हमारा केएस क्लासेस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब केएस क्लासेस। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप सब हमारे वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं, देन प्लीज़ डू शेयर दोज वीडियोज ऑल्सो। एंड एक इम्पॉर्टेंट बात, आप सब प्लीज़ हमें कमेंट्स दीजिए, गुड बैड जो भी है हमें कमेंट दीजिए, बिकॉज दोनों ही कमेंट्स हमें मोटिवेट करते हैं। गुड कमेंट्स जब हम देखते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम और भी वीडियोस डालें। बैड कमेंट्स जब हम देखते हैं तो हम और भी ज़्यादा मोटिवेट होते हैं, डबल मोटिवेट होते हैं कि वो सारी गलतियां हम दूर कर दें अपने नेक्स्ट लेक्चर में। सो इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब कोई हमें कमेंट्स दें। आइए आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने ओवर टाइम का थियरी पार्ट कंप्लीट किया था। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व वन सम विच इज बेस्ड ऑन ओवर टाइम। सम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। पर्टिकुलर्स ए एंड बी, दो वर्कर्स हैं ए एंड बी। बेसिक वेजेस ए का क्या है 10,000, बी इज 16,000। डी ए 50% ए का, बी का 50%। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पी एफ इट इज 8% एंड 8%। ई एस आई का कॉन्ट्रीब्यूशन इज 2% एंड 2%। नाउ ए ने जो ओवर टाइम काम किया है दैट इज 10 आवर्स, बी का जो ओवर टाइम काम है दैट इज 8 आवर्स। नीचे दिया हुआ है कि द नॉर्मल वर्किंग आवर्स इज 200 आवर्स, ओवर टाइम इज पेड एट डबल द टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डी एन एस अलाउंस। Employees contribution to PF and ESI are equal to that of employees contribution. The two workers were employed on job X, Y and Z in the following manner. Worker A ने अपना जो time का location है वो क्या क्या दिया है, 40% job X में, 30% in job Y, 30% in job Z. Worker B का जो allocation है that is 50% for job X, 20% for job Y and 30% for job Z. ओवर टाइम वॉज डन ऑन जॉब वाई, यानी कि ये जो ऊपर वाला जो हमारा टाइम पीरियड है दैट इज ओनली फॉर नॉर्मल आवर्स। नीचे हम लोग को दिया गया है कि भाई ओवर टाइम जो है यानी कि ए का जो 10 आवर्स जो है वो पूरा का पूरा जॉब वाई में जाएगा, बी का जो 8 आवर्स है वो पूरा का पूरा जॉब वाई में जाएगा। क्लियर? आइए अब हम स्टार्ट करते हैं सम्स करने। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे ओवरटाइम वेजेस। कैलकुलेशन ऑफ ओवरटाइम वेजेस, बेसिक 10,000, 16,000, डी इट इज 50%, इट इज 5,000 एंड 8,000, टोटल 15,000 एंड 24,000। तो ये हमारा ग्रॉस वेजेस है सर। नॉर्मल वर्किंग आवर्स क्या है सर? नॉर्मल आवर्स क्या है? 200 सर। हमारा नॉर्मल रेट पर आवर कितना आ जाएगा सर? 75 एंड 120 पर आवर। सर ओवर टाइम डबल करने बोला सर, बेसिक प्लस डीए का डबल, तो सर डबल क्या हो जाएगा सर? ओवर टाइम प्रीमियम। तो ओवर टाइम प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा सर? 150 एंड 240 पर आवर। सर मेरा ओवरटाइम आवर्स कितना है सर? सर ओवरटाइम आवर्स है ए का आई थिंक सो 10 है, बी का इज 8, ए का 10 बी का 8 सर। तो आइए बार कैलकुलेट कर लेते हैं सर ओवरटाइम। सर बी का इट इज 1920, ए का इट इज 1500 टोटल। तो सर ये तो अपना निकल गया ओवरटाइम। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। सबसे पहले हम अब स्टार्ट करेंगे कैलकुलेट करना कॉस्ट टू कंपनी। सर दो टर्मिनोलॉजी है सर, वन इज कॉस्ट टू कंपनी एंड अदर वन इज नेट वेजेस अर्न या ग्रॉस वेजेस अर्न बाय द एम्प्लॉय। सर जब हम बात करते हैं कॉस्ट टू द कंपनी का तो हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए क्या कॉस्ट लगाया।
एंड ध्यान दीजिएगा सर, कॉस्ट टू कंपनी में ना इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन टू पीएफ कभी नहीं आता सर, नेवर। हाउएवर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ जरूर आएगा एंड दैट इज एडेड टू द कॉस्ट टू कंपनी। बिकॉज अगर सपोज कीजिए वर्कर ए का पीएफ कंट्रीब्यूशन से फॉर एग्जांपल इज 100 रुपीज, तो वर्कर ए को अगर हम 10,000 दे रहे हैं तो उसमें से हम 100 रुपीज माइनस करके उसको दे देंगे, 9,900 रुपया दे देंगे। बट अगर हम अपनी तरफ से उसको 100 रुपया और भी पीएफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो दैट इज एडिंग अ कॉस्ट टू द कंपनी। यानी कि कंपनी का जो कॉस्ट होगा वो ये होगा कि 9,900 तो ए को दो, ए का कंट्रीब्यूशन 100 रुपया जाकर पीएफ में जमा करो एंड अपने तरफ से भी जाकर पीएफ में 100 रुपया जमा कर दो, तो कॉस्ट टू कंपनी बन जाएगा 10,100 रुपए। क्लियर है सर? इसलिए कॉस्ट टू कंपनी में हम इंप्लॉय कंट्रीब्यूशन का कोई भी इफेक्ट नहीं लेते हैं, हाउएवर इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन को हम ऐड करते हैं। कॉस्ट टू कंपनी में हम ओवरटाइम का भी इफेक्ट नहीं लेते हैं बिकॉज इट इज नॉट नेसेसरी कि ओवरटाइम हमेशा हो। सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर मंथ में ओवरटाइम है, नेक्स्ट मंथ में ना हो। जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि COVID-19 का भी टाइम पीरियड चल रहा है, फार्मा कंपनीज अभी ओवरटाइम कर रही हैं। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, सब कुछ स्टेबल हो जाएगा, तो फार्मा कंपनी को ओवरटाइम करने का दरकार नहीं पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली वो ओवरटाइम वेजेस पे भी नहीं करेंगे सर। तो जब हम कॉस्ट टू कंपनी कैलकुलेट करते हैं, सीटीसी कैलकुलेट करते हैं, तो सर हम उसमें ओवरटाइम का इफेक्ट नहीं लेते हैं सर। हम सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल वर्किंग आवर्स का इफेक्ट लेकर हम अपना सीटीसी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग चेक करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट टू कंपनी पर्टिकुलर्स ए बी। बेसिक 10,000, 16,000, डी 5,000, 8,000, टोटल क्रॉस 15,000 and it is 24,000. Add employer, ध्यान दीजिएगा employer मैंने लिखा, ठीक है, PF में कितना है 8%, 800 and इसका 8% कितना होगा सर, 16,000 into 8% it is 1280. ESI at the rate of 2% it is 200 and 16,000 into 2% it is 320. Total cost it is 16,000 and it is 25,600. Normal hours kitna hoga sir? Normal hours ho jayega 200 and 200. So normal कॉस्ट पर आवर कितना हो जाएगा सर, यहां पर अपना 16,000 डिवाइडेड बाई 200 इट इज 80 पर आवर और यहां सर 25,600 डिवाइडेड बाई 200 इट इज ₹128 पर आवर। सो दिस इज बेसिकली कॉस्ट टू कंपनी। इसमें हम एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे एंड एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लेस नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट चीज हम क्या देखेंगे सर, व्हाट इज द नेट वेजेस अर्न्ड बाय द एम्प्लॉय। आइए, नेट वेजेस अर्न्ड बाय एम्प्लॉय, पर्टिकुलर्स ए बी। बेसिक 10,000 एंड 16,000, डी 5,000, 8,000। सर ओवर टाइम वेजेस ऐड करेंगे बिकॉज ओवर टाइम कंपनी को मिलेगा सर, तो ओवर टाइम कितना है 1500 एंड 1920, 1500 एंड 1920। सर इससे हम लेस करेंगे, क्या चीज लेस करेंगे, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन
एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, सर एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन को हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं, बिकॉज एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन तो डायरेक्टली पीएफ में जाएगा, लेकिन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो हम लेस करेंगे, बिकॉज वो हमें पेमेंट एम्प्लॉय को नहीं करना है। हम ऊपर बात कर रहे हैं सर नेट वेजेस अर्न का, ग्रॉस वेजेस अर्न का नहीं, नेट वेजेस, जो वेजेस मुझे एम्प्लॉय को पास ऑन करना है। क्लियर? आइए, तो एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन पीएफ में इट इज 800, ESI 200। सर इसका था, सॉरी इसका आई थिंक 1280 एंड 320, ओके 1280 एंड 320, ये सब हम लेस कर देंगे। सो ये मेरा आ जाएगा नेट वेजेस। आइए अब कैलकुलेट कर देते हैं नेट वेजेस क्या है। 10,000 प्लस 5,000 प्लस 1,500 माइनस 1,000, सो मिस्टर ए को जो नेट वेजेस पे किया जाएगा दैट इज 15,500, बी को 24,320। तो ये तो हो गया अपना नेट वेजेस का बात कि भैया एम्प्लॉय को हम इतना इतना रुपया देंगे, बट सर हमारा जो ये जॉब है सर, इसके लिए हमको कॉस्ट टू कंपनी चेक करना होगा। हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि वर्कर ए का जॉब एक्स में कंपनी का कितना कॉस्ट लगा, जॉब वाई में कंपनी का कितना कॉस्ट लगा, जॉब जेड में कितना कंपनी का कॉस्ट लगा। तो जो हम कॉस्ट टू कंपनी अभी निकाले हैं 80 and 128, इसे हम यूज करेंगे फॉर फाइंडिंग आउट द जॉब कॉस्ट। सो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कर रहे हैं, आइए जॉब कॉस्ट कैलकुलेशन ऑफ जॉब कॉस्ट। क्लियर है सर? तो इसमें एक्स वाई जेड और वर्कर, वर्कर ए, ए का सर नॉर्मल आवर्स तो सर कितना था 200, तो 200 में 40% उन्होंने एक्स में लगाया, तो 40 × 80, ओके सो वी कैन डू लाइक दिस ऑल्सो। जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना अपना 16,000, हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं सर, सो दैट इज नॉट अ बिग डील, हम इसे भी चाहे तो डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए तो अपना 200 आवर्स में 40% इट इज 80, तो 80 × 80 इट इज 6,400 रुपीज। एक सर वाई में उन्होंने कितना यूज किया है, वाई में 30% एंड जेड में भी 30%, तो 200 का 30% वाई में इट इज 4,800, जेड में भी 4,800। सर ओवर टाइम के लिए, ओवर टाइम ना एक्स में था ना जेड में था, सिर्फ और सिर्फ किस में था, वाई में, विच इज 1,500। क्लियर है सर? सो नॉर्मल आवर्स का जो टोटल है दैट इज 16,000, तो ए का जो 16,000 का जो ब्रेकअप है वो ये है, ओवर टाइम का पूरा वाई में कंज्यूम हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा ओवर टाइम कभी कभी हम लोग ओवरहेड कॉस्ट में भी डाल देते हैं, इट इज नॉट रिलेटेड टू एम्प्लॉय कॉस्ट ऑल्सो, तो कब ओवरहेड कॉस्ट में डालते हैं ये सब हम अपने फर्दर लेक्चर्स में करेंगे। रहा बात बी का, तो दैट इज होमवर्क फ्रॉम टू योर साइड, आप लोग बी का जो है वो कॉस्ट निकाल लीजिएगा। So with this, I'm going to end this lecture. Thank you so much for watching KS Classes. And please do subscribe KS Classes. Thank you.